हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, इसमें मैं जो डिफरेंशिएशन करा रहा हूँ वो ये है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो इसके मैं यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आपको सात क्वेश्चन ये मैं आज कराने जा रहा हूँ, सारा ही सात के साथ ये इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये वाला 2014-17 में आया हुआ, ये 2017 में आया हुआ ये क्वेश्चन, और ये 2018 में आया हुआ, और ये वाला जो क्वेश्चन है 2018 में, और ये 2014-16 और 2017 तीन बार आया हुआ, और ये क्वेश्चन आया हुआ 2014-16 में। अब देखिए क्या करना, इफ़ द फंक्शन y1 इज इक्वल टू fx और y2 इज इक्वल टू gx, यानी दो फंक्शन दिए होंगे, एक ऐसा और एक दूसरा, तो पहले को हम y1 मानेंगे और दूसरे को मानेंगे y2। डिफ्रेंशिएशन देन डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू y2, यानी y1 का y2 के सापेक्ष अवकलन, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y1 टू y2, एज कितना हुआ dy1 अपॉन dy2 इजिकल टू dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx। कुल मिला के ये कहना है कि हमें पहले का भी डिफरेंशियल करना x के रिस्पेक्ट में, दूसरे का भी डिफरेंशियल करना, और पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड करना, तो ये कहलाता है एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए पहले मैं इन क्वेश्चन की आपको डिटेल से बताऊंगा, बाद में लास्ट में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप एक ही लाइन में इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो पहले मैं डिटेल से, जिस तरह आपको पूरे नंबर एग्जाम में मिले, तो एकेडमिक में कैसे करना पहले उसे सिखाऊंगा, और उसके बाद कंपटीशन में कैसे करना इस क्वेश्चन को ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। आप एंड तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी इस फंक्शन का इसके सापेक्ष हमें करना। जो पहला वाला है उसको हम मान लेते हैं y1, और जो दूसरा है उसको मान लेते हैं y2, ठीक है। और यहां लिखी जाएगी ये लाइन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy1 अपॉन dx, e की पावर x का डिफरेंशियल होता है e की पावर x। ऐसे यहां देखिए, यहां भी वही लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy2 अपॉन dx, रूट एक्स का डिफरेंशियल हमने बताया था याद होगा 1/√x। आप क्या निकालना, हमें इसका इसके सापेक्ष निकालना, तो क्या लिखेंगे ये वाली लाइन देखिए, डिफरेंशिएटिंग ऑफ y1 विद रेस्पेक्ट टू y2, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y1 विद रिस्पेक्ट टू y2। जैसे यहाँ y लिखते थे तो ऊपर क्या लिखते थे हम y, अब यहाँ लिखना y1 विद रिस्पेक्ट टू x लिखते थे तो अपॉन में x लिखा जाता था, और आप क्या लिखा जाएगा ये वाला, तो कैसे निकलना dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx, dy1 अपॉन dx कितना है ये वाला देखिए, और ये कितना है 1/√x, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा e पावर x इंटू 2√x, ये हो गया इसका आंसर। यस, तो देखिए करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो पहले वाले को हम मानेंगे y1, लेट y1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और दूसरे को क्या मानेंगे y2। अब यहां पर वही लाइन लिखेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका क्या हुआ बताइए जरा, dy1 अपॉन dx। आप देखिए जरा यहां ध्यान देंगे, ये साइन बस 2x अंडर रूट 1 माइनस के x स्क्वायर है, तो इसका तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हुआ dy2 अपॉन dx, साइन बस का होता 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के x स्क्वायर। इसके लिए हमें जो है थोड़ा सा भी रुकना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं इसमें देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, पोर्ट x बराबर मैंने मान लिया साइन थीटा, क्या मान लिया x बराबर साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा साइन वर्स x, लास्ट पे जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर y1 इज इक्वल टू हो गया साइन वर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट
कर सकते थे पहले इसका साइन बस का फिर इसका फर्स्ट सेकेंड से, लेकिन अगर मान ले करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वाई वन साइन बस ये टू साइन थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से बाहर निकल के हो जाएगा कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है इतना, इसका फॉर्मूला जरा बताइए। ये फॉर्मूला है साइन टू थीटा का, साइन बस है साइन यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि तो आगे वाई वन इज इक्वल टू टू थीटा, थीटा की जगह ये रख दीजिए। अब कर दीजिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस, जब ऐसा करेंगे तो क्या आएगा डी वाई वन अपॉन डी एक्स टू एस ही रहेगा और साइन बस का डिफरेंशियल होता अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर। अब हमें करना क्या, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष निकालना, तो क्या लाइन लिखेंगे जरा बताइए। यस ये लिखी रही डिफरेंशिएटिंग ऑफ वाई वन विद रेस्पेक्ट टू वाई टू, क्या लिखना डिफरेंशिएटिंग ऑफ वाई वन विद रेस्पेक्ट टू वाई टू। तो क्या आया यहाँ पे डी वाई वन अपॉन डी वाई टू जी का टू, ये देखिए डी वाई वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई टू अपॉन डी एक्स, डी वाई वन अपॉन डी एक्स कितना है ये वाला टू अंडर रूट वन अपॉन वन माइनस के एक्स स्क्वायर, और डी वाई टू अपॉन डी एक्स ये, और इट बिकम कट, तो ये आंसर आ गया टू, ये आंसर आ गया डी वाई वन अपॉन डी वाई टू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीन करते हैं, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, तरीका वही है जैसा पहले या सेकंड दूसरे का था, आपको मैटर समझ में आ गया होगा। अब आप आगे क्वेश्चन करने लगेंगे, मैंने यहाँ पे सात क्वेश्चन करा रहा हूँ और आप इसी के आधार पर और भी आगे के क्वेश्चन जो अन्य क्वेश्चन है आपकी बुक्स में वो कर सकते हैं। तो पहले हम क्या मानेंगे, लेट वाई वन इज इक्वल टू ए की पावर साइन एक्स और वाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है। यहाँ वही लाइन लिखनी है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ भी वही लाइन लिखनी है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई वन का डी वाई वन अपॉन डी एक्स। देखिए ये है कंपोजिट फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन में पहले क्या करेंगे चैन रूल से, चैन रूल में पहले ई ए करेंगे फिर साइन ए करेंगे, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स और साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस एक्स। ऐसे यहाँ देखिए डी वाई टू अपॉन डी एक्स, रूट का करेंगे पहले, रूट का होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स, एक्स के स्थान में क्या है साइन, ये चैन रूल से हो रहा है, और उसके बाद साइन करेंगे साइन कितना होता है कॉस एक्स, ठीक है। अगर आपको इनका डिफरेंशियल नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरी सबसे पहले वाली वीडियो देखिए, वहाँ मैंने बिल्कुल बेस से बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करके समझाई है, तो आप ये ऊपर वाला कॉर्नर वाला आई बटन दबाकर जो आप पहली वीडियो मेरी डिफरेंशिएट की देख सकते हैं, जिसमें मैंने बेसिक से बिल्कुल बताया। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग ऑफ वाई वन विद रिस्पेक्ट टू वाई टू, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे डी वाई वन अपॉन डी वाई टू इज इक्वल टू डी वाई वन अपॉन डी एक्स इज डी वाई टू अपॉन डी एक्स, ये कितना है देखिए यहाँ से ई की पावर साइन एक्स और ये कॉस एक्स, ये कितना है कॉस एक्स अपॉन टू अंडर रूट साइन एक्स, देखिए कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टू अंडर रूट साइन एक्स ई की पावर साइन एक्स, दिस इज आंसर। क्या पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, जब आप टाइप वाइज डिफरेंशियल करते हैं यानी टाइप के अनुसार डिफरेंशियल करते हैं तो क्या होता है, हमें क्वेश्चन को ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होती है, कम रिवीजन में ही हम डिफरेंशियल का रिवीजन कर सकते हैं, तो इसलिए टाइप वाइज डिफरेंशियल कीजिएगा, इससे आपको सुविधा होगी पहचानने में सुविधा होगी। अगर आप टाइप वाइज डिफरेंशियल करेंगे तो आपको कम रिवीजन में ही ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, इसको मैंने वाई वन माना और दूसरा वाई टू, पहचान बहुत जरूरी है। देखिए पहला फंक्शन एक ये रखा दूसरा फंक्शन ये रखा, इस फंक्शन का इसके सापेक्ष करना है, तो फॉर्मूला ये है
dy1 upon dy2 = dy1 upon dx upon dy2 upon dx, यानी पहले का डिफरेंशियल करके दूसरे के डिफरेंशियल से भाग देगा। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ भी लिखना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हुआ यहाँ बताइए जरा, dy1 upon dx, देखिए कॉन्स्टेंट और वेरिएबल एक साथ है तो कॉन्स्टेंट का ऐसे रहेगा। इसे करेंगे चेन सिस्टम से, श्रृंखला विधि से, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन का श्रृंखला विधि यानी चेन रूल से। तो चेन रूल से e की पावर x रहेगा और साइन बस x का 1/√1 - x2। कॉन्स्टेंट है ये, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल 0। तो इसको यूं लिख सकते हैं, ठीक है, ये आगे हमारा dy1 upon dx। ऐसे इससे करेंगे, देखिए dy2 upon dx, यस 5 कॉन्स्टेंट है, साइन वर्स का 1/√1 - x2 और कॉन्स्टेंट का 0, ये क्या आ गया 5/√1 - x2। आप क्या निकालना, इसका इसके सापेक्ष करना है, तो क्या लाइन लिखेंगे बताइए। हाँ जी यस, डिफरेंशिएटिंग ऑफ बाय वन विद रिस्पेक्ट टू बाय टू, देखिए यहाँ से डिफरेंशिएटिंग ऑफ बाय वन विद रिस्पेक्ट टू बाय टू, डिफरेंशिएटिंग ऑफ बाय वन विद रिस्पेक्ट टू बाय टू, तो क्या होगा dy1 upon dy2 = this upon this। तो पहले यहाँ लिख लेंगे उनको, अपॉन में ये वाला लिखेंगे, इट बिकम कट और ये आ गया आपका आंसर 4 sin x / 5, दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए ट्राई के लिए बहुत आसान है। जो कैसे करेंगे, इसे y1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, साइन वर्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1/√1 - x2, इसका डिफरेंशियल क्या होगा -k 1/√1 - x2, इसको इससे डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा -1। तो क्या आंसर आएगा इसका -1, तो इसको आप खुद करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, यस देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है 2014, 16 और 17 में आया हुआ, तरीका वही है करने का, कोई तरीका चेंज नहीं है, एक जैसा तरीका है। तो देखिए इसको मान लेते हैं, लेफ्ट y1 = tan inverse 2x / 1 - k x2 और इसको मान लेते हैं y2 cos inverse 1 - k x2 / 1 + k x2, दोनों में ही एक ही सब्स्टिट्यूशन से काम चल जाएगा। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे पुट x = tan θ, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा tan inverse x, इसको इधर ले जाएंगे तो थीटा हो जाएगा tan inverse x। तो यहाँ क्या बनेगा जरा बताओ, y1 = tan inverse 2 tan θ / 1 - tan²θ, यहाँ क्या बनेगा cos inverse 1 - k tan²θ / 1 + tan²θ। जरा ध्यान से देखिए y1, ये फॉर्मूला होता है tan²θ का, किसका फॉर्मूला होता है tan²θ का, ऐसे यहाँ देखिए ये किसका फॉर्मूला बताइए जरा, यस किसका फॉर्मूला cos²θ का, cos का tan के पदों में cos²θ, tan पर से tan कट जाएगा, यहाँ cos से cos कट जाएगा, तो y1 आ गया 2θ, यहाँ कितना आ गया y2 2θ, थीटा की जगह क्या रख देते हैं, ये रख देते हैं 2 tan inverse x, ऐसी यहाँ पे v2 2 tan inverse x। अब क्या लाइन लिखेंगे, वही वाली क्या लाइन लिखेंगे बोलिए, डिफरेंशिएटिंग ऑफ y1 विद रेस्पेक्ट टू y2, डिफरेंशिएटिंग ऑफ y1 विद रेस्पेक्ट टू y2, यानी पहले फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करने पर dy1 upon dy2 = कितना है dy1 upon dx कितना 2 tan inverse x। अभी हमने डिफरेंशियल तो किया नहीं, तो पहले मैं इसका डिफरेंशियल करता हूँ, तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा इसका, देखिए dy1 upon dx 2 upon
टेन इनवर्स टू अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर। अच्छा इसका भी डिफरेंशियल क्या होगा बताइए जरा, डी वाई टू अपॉन डी एक्स क्या होगा, टू अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, क्या वैल्यू इसकी, यहाँ इसकी वैल्यू रख दीजिए और इट बिकम करेक्ट, यानी आंसर आ गया वन। बात समझ में आ गई? तो यहाँ डिफरेंशियल किया हमने डी वाई वन अपॉन डी एक्स टेन प्लस का टू अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर, ऐसे यहाँ भी सेम टू सेम है, इसको इससे डिवाइड कर दिया, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं आपको सॉल्व ट्रिक बताऊंगा कि इसी यही क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन में आते हैं, तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए एकेडमी कैसे करते हैं, तो जो पहले वाला उसको मानेंगे वाई वन, लेट वाई वन इज इक्वल टू टेन बस अंडर रूट वन प्लस के स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, और इसको क्या मानेंगे वाई टू साइन बस 2x अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा जैसे पहले किया था, तो क्या करना पोट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से बताइए टेन बस x, इसकी लास्ट में जरूरत पड़ेगी। तो y1 x की जगह हमने क्या रख दिया टेन थीटा, समझ आ रही बात। ऐसे यहाँ पर देखिए y2 साइन बस टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। और सॉल्व करते हैं सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा अपॉन टेन थीटा, sec थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन cos थीटा माइनस वन अपॉन tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका एलसीएम लेंगा, एलसीएम लेंगे आएगा वन माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा, यहाँ sin थीटा और बचा, ये बचेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा जरा बताइए वाई वन टेन बस वन माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। वन काटने वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, वन काटने वाला फॉर्मूला मतलब जिसे वन कट जाए, तो वन माइनस टू बाहर माइनस है इसलिए प्लस हो गया, इसका जो अभी एंगल है उसका आधा कर देते हैं, तो थीटा का आधा होगा थीटा बाई टू, और साइन टू थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटे दो और कॉस थीटा बटे दो, यहाँ जो भी एंगल है उसका आधा हो जाता है, यहाँ देखिए वन से वन कैंसिल हो गया, कितना हो गया यहाँ पर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल स्क्वायर से ये कैंसिल, कितना बचा टेन बस साइन अपॉन कॉस हो गया टेन, टेन बस से टेन हट जाएगा तो कितना आ गया वाई वन इज इक्वल टू थीटा अपॉन टू, थीटा की वैल्यू रख दीजिए अभी और यहाँ पर डिफरेंशियल कर देते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई वन अपॉन डी एक्स कितना होगा टेन बस का डिफरेंशियल वन अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर। मासन भाई आप देखिए ऐसे ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो है साइन थीटा को साइन टू थीटा का फॉर्मूला है टेन के पदों में, तो क्या लिखेंगे इसको साइन बस साइन टू थीटा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो वाई टू इज इक्वल टू आ गया टू थीटा, थीटा के स्थान में फिर यहाँ रख दीजिए क्या हो जाएगा ये टू टेन बस एक्स, ठीक, फिर वही करेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई टू अपॉन डी एक्स, तो टू ऐसे ही रहेगा और टेन बस का डिफरेंशियल वन अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको इससे डिवाइड कर देंगे, क्या लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग
ऑफ वाई वन विद रिस्पेक्ट टू वाई टू, क्या हुआ बताइए? डी वाई वन अपॉन डी वाई टू, तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स याला इस वाले को इससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ कितना आया ये देखिए, वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना है टू अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखिए इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये टू पलट के कहाँ जाएगा, ये टू यहाँ जाएगा अपॉन में, ये हो जाएगा सबसे ऊपर का और सबसे नीचे के जाते हैं इंटू में, और बीच वाले जो दो होते हैं वो नीचे मल्टीप्लाई में लिखे जाते हैं, तो ये हो गया टू मल्टीप्लाई टू, यानी कि डी वाई वन अपॉन डी वाई टू बराबर हो गया वन अपॉन फोर। यस देखिए अब आ गया शॉर्ट ट्रिक जानने का, अगर शॉर्ट ट्रिक से आपको बहुत जल्दी सॉर्ट करना है क्वेश्चन, तो अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स आप बनाते हैं तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी सेकंडों में यानी विद इन फाइव सेकेंड के अंदर कर सकते हैं, तो देखो कैसे करते हैं जरा समझेंगे, इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स डी वाई वन अपॉन डी वाई टू, यानी कि पहले फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष, ऊपर क्या लिखना है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकेंड फंक्शन, यानी कि क्या करना हमें बस ये लाइन लिखनी है डी वाई वन अपॉन डी वाई टू डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन कौन सा ये वाला, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल, ई की पावर एक्स और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन कौन सा ये वाला, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा वन अपॉन टू रूट एक्स, ये आंसर आ गया। चाहो तो इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हो, बस टू अंडर रूट एक्स ई की पावर एक्स, तो इस तरह के इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि मेरा मेथड आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, अगर आपको मेरा मेथड पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दूसरों को शेयर भी करिएगा जिससे और स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सके। आप मेरे चैनल को लास्ट में जो लोगो लिखा उस पर सर टिक करके भी टच करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स सो मच।